बच्चों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बच्चों इस क्वेश्चन की जो फिजिकल सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। ये एक व्हील है बच्चों और जिसके अंदर ये 10 मेटलिक स्पोक्स हैं, यानी ये कंडक्टिंग मेटलिक स्पोक्स हैं और ये व्हील एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी की वैल्यू 0.40 गॉस है इस मैग्नेटिक फील्ड में 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों हमें इसके सेंटर और इसके रिम के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों पहले हम इस डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, दैट इज न्यू, सो दैट इज द 120 RPM। बच्चों इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा। सो दैट इज द 120/60, सो दैट इज द 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो बच्चों हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज द 2π × फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज द 2π × 2, सो दैट इज द 4π radian/s। और बच्चों एक स्पोक की जो आपकी लेंथ गिवन है, सो दैट इक्वल टू 0.5 meter और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज द 0.40 गॉस। और बच्चों इसको अगर मैं टेस्ला में कन्वर्ट करूं, सो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, सो दैट इज द 0.40 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो बच्चों अगर मैं एक सिंगल स्पोक की बात करूं तो वो सिंगल स्पोक आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जिसकी की लेंथ एल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट करता है। तो बच्चों इंड्यूज ईएमएफ एट द एंड ऑफ द सिंगल स्पोक, सो दैट इज द 1/2b × L² × ओमेगा। बच्चों ये मैं आपके लिए पहले ड्राइव कर चुका हूं। तो बच्चों जहां पर ये जो गिवन डेटा है मैं इसको पुट करता हूं, सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ द सिंगल स्पोक, सो दैट इज द 1/2 × b, सो बी इज द 0.40 × 10⁻⁴ लेंथ, सो लेंथ इज द 0.5 m² एंड ओमेगा, सो दैट इज द 4π radian/s। तो बच्चों इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, सो दिस ईएमएफ दैट इक्वल टू 6.28 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो बच्चों ये आपका एक स्पोक के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो बच्चों वो रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। और अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो बैटरी होगी इसका जो ईएमएफ है दैट इज द 6.28 × 10⁻⁵ वोल्ट होगा। और बच्चों देखिए यहाँ पर 10 स्पोक्स हैं, तो अगर बच्चों मैं इसको ओ पॉइंट कंसीडर करूं और इसको मैं सी पॉइंट कंसीडर करूं, तो दिस इज द ओ पॉइंट एंड दिस इज द सी पॉइंट और सभी जो स्पोक्स हैं सेंटर से कनेक्ट होते हुए इसकी सर्कमफ्रेंस तक जाते हैं। तो हम बच्चों बोल सकते हैं ये सभी स्पोक्स पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी ये जो बैटरी होंगी ये 10 बैटरी की तरह बिहेव करेंगे और 10 की 10 बैटरी आपकी पैरेलल में लगी हैं। यानी ये फिजिकल सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये 10 बैटरीज हैं जो कि आपकी ओ और सी पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो बच्चों ये 10 की 10 बैटरीज आपकी पैरेलल में लगी हैं और हर बैटरी का जो ईएमएफ है वो इक्वल है, दैट इज द 6.28 × 10⁻⁵ वोल्ट। तो बच्चों
तो बच्चों ओ और सी पॉइंट के बीच में यानी सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बच्चों एक बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ओ एंड सी, सो दैट इज द 6.28 इंटू 10^-5 वोल्ट। तो बच्चों दिस इज योर आंसर, लेकिन मैं अभी आपको इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ये एक बैटरी है जिसका कि ईएमएफ मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ईएमएफ ही कंसीडर कर लेते हैं, और जहाँ पर ये 10 बैटरीज पैरेलल में लगी हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पर हैं और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हैं। बच्चों मैं इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को इस टैंक में भरे हुए वाटर के एनालॉगस कंसीडर करता हूँ। तो कंसीडर किया बच्चों, ये आपका ओ पॉइंट है और ये आपका बॉटम पर सी पॉइंट है, और इस कॉलम में रो डेंसिटी का वाटर एच हाइट तक भरा हुआ है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ओ, तो कंसीडर किया बच्चों ये पी है, दैट इक्वल टू रो जी एच। और मैं कंसीडर करता हूं कि बच्चों ये आपके 10 वाटर टैंक्स हैं जो कि साथ साथ लगे हुए हैं, और इन वाटर टैंक में हर एक में जो एच हाइट तक वाटर फिल है और जो उसकी डेंसिटी आपकी रो है, तो किसी भी वाटर टैंक के टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट में जो बच्चों प्रेशर डिफरेंस होगा वो आपका रो जी एच के इक्वल ही होगा। और अगर बच्चों मैं इसकी जो बीच की इनर वॉल्स हैं उसको इलिमिनेट कर दूं तो एक सिंगल वाटर टैंक होगा जिसमें रो डेंसिटी का जो वाटर है वो एच हाइट तक भरा होगा, और बच्चों ये टॉप मोस्ट पॉइंट ओ है और बॉटम पर जो पॉइंट आपका सी है। तो बच्चों प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड सी जहां पर भी बच्चों रो जी एच ही होगा। तो बच्चों ये सेम सिचुएशन है जहां पर ये वाटर टैंक्स पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब बच्चों यहां पर ये बैटरी पैरेलल में है तो एक वाटर टैंक के जो टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो रो जी एच है, और जहां पर एक बैटरी का ईएमएफ कंसीडर किया है मैंने, चलिए इसको मैं ई कंसीडर कर लेता हूँ। तो जब बच्चों 10 बैटरीज आपकी पैरेलल में लगेंगी तो ओ और सी पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ होगा दैट इज द ई। सिमिलरली ओ और सी पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है वो रो जी एच के इक्वल होगा। ओके बच्चों।